इन द लास्ट वीडियो हमने एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 5 केसेस बताए थे और मैंने आपको ये बताया था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, किसी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को या किसी एक नए पार्टनर को जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं वो ये गारंटी देते हैं कि मिनिमम इतना प्रॉफिट आपको हर बार मिलेगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा है फर्म का या फिर प्रॉफिट कम है। ठीक है, जिसमें से हमने 5 केसेस मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहले केस में ये था कि गारंटी जो थी सारे पार्टनर्स देते हैं, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। दूसरा केस ये था कि गारंटी जो है सिर्फ एक पार्टनर देता है। एक केस ये था कि गारंटी जो है सारे पार्टनर दे रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक रेशियो में, वो अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने आपको चौथा केस बताया था, जिसमें आपको गारंटी का क्वेश्चन 5 एडजस्टमेंट के साथ मर्ज होके आता है। और बेसिकली ज्यादातर बोर्ड में ना इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत इजी टॉपिक है और 5 एडजस्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो हमेशा ये दोनों टॉपिक जो है मर्ज होके आते हैं बोर्ड में। 2018 में एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, लेकिन आप स्टेप वाइज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक फर्म है जहाँ पे 3 पार्टनर है ABC, ठीक है। 31 मार्च 2003 को उनका जो प्रॉफिट था 1,40,000 का था, जो फर्म ने अर्न किया, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 2-2-1 में, और जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट इन दिस रेशियो, ओके, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये सारी एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं दी और उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। क्या देना था जो नहीं दिया उन्होंने, दैट इज ए एंड बी वर एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर क्वार्टर, सी को कमीशन देना था 8,000 रुपए। ए और सी ने गारंटी दी, पॉइंट टू बी नोटेड, ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। बी को मिनिमम गारंटी दी गई, कितना प्रॉफिट मिलेगा उसे, 50,000 का, जिसको कौन पे करेगा, ए और सी पे करेंगे। और प्रॉफिट जो बचा इन सब के देने के बाद, जो प्रॉफिट बचा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 3-3-2 में, बट दे हैड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन 2-2-1, ठीक है। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है और हमें गारंटी के लिए भी हमें एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम एडजस्टमेंट एंट्री बाद में पास करेंगे, पहले हम इसका जो है ना P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे। P&L appropriation बनाएंगे और हम divisible profit find out करने की कोशिश करते हैं। हमारा P&L appropriation हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने net profit देखा 1,40,000, ठीक है, transfer कर दिया। हमने A और B को salary दे दी 1500 per quarter, एक साल में 4 quarter होते हैं। अगर एक quarter में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं एक partner को salary, तो 4 quarter में 6,000 to each partner हमने pay कर दिया salary। उसके बाद हमने कमीशन पे करना था सी को 8,000, ठीक है। 1,40,000 में से 12,000 और 8,000 माइनस हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1,20,000, दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। उसके बाद देखो हमने पार्टनर्स में इसको डिवाइड करना है, हमने पार्टनर्स में इसको डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो तो, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना था, 3-3-2 में, ठीक है। ये सारी चीजें देने के बाद प्रॉफिट को 3-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हम यहाँ पे देखते हैं वर्किंग में, हमने 1,20,000, दैट इज अवर डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3-3-2 में, ठीक है। हमने डिवाइड किया तो ए का शेयर 45,000 आया, बी का शेयर 45,000 आया और सी का शेयर 30,000 आया। बट वी हैड गिवन अ गारंटी टू बी, गारंटी दी थी हमने उसको कि हम उसे कम से कम 50,000 रुपए देंगे, लेकिन यहाँ पे उसके हिस्से का प्रॉफिट बन रहा है सिर्फ 30,000 रुपए, यानी हमें उसको अभी और कितने पैसे देने चाहिए, उसको अभी हमें और देने चाहिए, एफिशिएंसी के हिसाब से हमें उसको और कितने पैसे देने चाहिए, उसको हमें देने चाहिए 5,000। कैसे आया ये 5,000, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 45,000 उसका शेयर है, बट हमें देने हैं 50, तो हमारे को डेफिशिएंसी है बी को 5,000 की। अब उस डेफिशिएंसी को कौन मीट करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम ए और सी का जो ओल्ड रेशियो है
उसी में हम बी को डेफिशिएंसी को मीट करेंगे। ए और सी का हमारा रेशियो है 3:2, यानी 5000 की जो डेफिशिएंसी प्रॉफिट में कमी आ रही है बी के लिए, उसको ए और सी किस रेशियो में मीट करेंगे, 3:2 में, यानी 3000 ए सेक्रीफाइस करेगा और 2000 बी सेक्रीफाइस करेगा। इन दिस वे ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 45000 माइनस 3000 42000 और सी का हो जाएगा 30000 माइनस 2000 28000, ठीक है। और ये एड ऑन हो जाएगा बी के शेयर में और बी का प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा 50000। आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। 42000 कैसे आया आपको पता लग गया, बी का 50000 कैसे आया आपको पता लग गया, और 28000 कैसे आया आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं अपने पास एडजस्टमेंट की तरफ। कभी भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर मिनिमम गारंटी के साथ आता है तो पहले क्या सॉल्व करना है, पहले हमें प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी को देखना है कि पार्टनर को मिनिमम गारंटी के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे हमने क्रेडिट जो जो चीजें हमने देनी है पार्टनर्स को, क्या देना है, सबसे पहले सैलरी देनी है, ए को देना है, बी को देना है। 6000 कहाँ से आया, हम पीछे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देख चुके हैं। फिर हमें कमीशन देना है, कितना, 42000, सॉरी कमीशन सिर्फ सी को देना है, दैट इज 8000 हमने दे दिया। उसके बाद हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, रिमेनिंग प्रॉफिट को, दैट इज 332 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। बट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने देखा, जो हमने वर्किंग बनाया था उसमें आपने देखा कि भाई इसका जो शेयर था वो 5000 कम पड़ रहा था, उसको हमने इनके शेयर्स में से माइनस कर दिया। तो इनका जो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है दैट इज 42000 50000 एंड 28000, इसको हमने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें तो वो है जो हमें एक्चुअली में पार्टनर्स को देनी है, बट वी हैड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। इन द क्वेश्चन यू कैन रीड कि द पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1,40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इसका मतलब हमने ये सारी चीजें दिए बिना ही प्रॉफिट को बांट दिया था। तो डेफिनेट सी बात है, जब मैंने प्रॉफिट दिया होगा पार्टनर को तो मैंने उसको क्रेडिट किया होगा। अब मुझे उसको कैंसिल करना है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी, ठीक है। मैंने उसको डेबिट कर देना है, मैं उसको डेबिट कर देती हूँ। अब मैंने 1,40,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे आप, तो आपका ए का क्रेडिट हो जाएगा और सी का कैपिटल अकाउंट, सॉरी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड एंट्री वुड बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दैट विल बी योर पास एडजस्टमेंट यहाँ पे, ठीक है, शुड बी डेबिट, ओके। अब हम चलते हैं लास्ट केस जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है जनरली। जब फर्म ने लॉस अर्न किया है, प्रॉफिट नहीं कमाया फर्म ने, लॉस अर्न किया है, और हमने एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है कि हम तुम्हें इतने प्रॉफिट देंगे, तो उस केस में कैसे हम करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एबीसी पार्टनर्स हैं, कैपिटल इज 3 लाख 2 लाख 1 लाख, देयर पीएसआर इज 3:1, सी को गारंटी दी गई है कि उसको 30000 कम से कम एज अ प्रॉफिट हम देंगे। फर्म को लॉस हुआ 60000 का, ठीक है। अब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो हम देख सकते हैं कि नेट लॉस को हमने ट्रांसफर किया डेबिट साइड, इधर हमने उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 30000 20000 एंड 10000। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सी को प्रॉफिट देना था 30000 का, उसके प्रॉफिट तो हमने नहीं दिया लेकिन हमने उसको 10000 का लॉस उसके हिस्से में डाल दिया, यानी अब मुझे सी को कितना पे करना पड़ेगा, फर्म को कितना पे करना पड़ेगा, 40000। 30000 तो उसके मिनिमम गारंटी के, प्लस 10000 जो मैंने उसके खाते में लॉस डाला है, जो उसके खाते में मैंने 10000 उसका खाता घटा दिया लॉस की वजह से, तो मुझे फर्म को 40000 पे करना है अब अपने पार्टनर को जिसको उन्होंने मिनिमम गारंटी दी थी, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी थोड़ा देखिए आप यहाँ पे, वर्किंग नोट देखो, सी इज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 30000 पर एनम, However, the firm has suffered loss. Out of the total loss, C's capital has been debited by 10,000. C को हमें entitled है 40,000 के लिए.
अब सी को वो पैसा कौन देगा? डेफिनेटली रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे? कोई रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ले लेंगे, दैट इज 3:2। यानी जो 40,000 है उसके लिए ए विल पे 24,000 एंड बी बी विल पे 16,000 टू सी। लॉस के केस में